गुड मॉर्निंग बच्चों, आज त्रिकोणमिति के बारे में फिर सवाल चलेंगे। यदि सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू, ये सिद्ध करना है आपको, 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। एल एच एस बाई 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, आर एच एस आपको 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। एल एच एस ले लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा को काय में चेंज कर लेंगे कॉस थीटा में, यहां पे कॉस थीटा हो गया इंटू कॉस 90 माइनस थीटा को साइन में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि आंसर 10 में लाना है तो इसको कॉस को चेंज करना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा काय के बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसकी जगह कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब यहां पे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर कौन सी संख्या है, हर है sec थीटा, sec थीटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, sin थीटा अपॉन sec थीटा इंटू sec थीटा अपॉन sec थीटा। sin थीटा का sec थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू sec थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का sec थीटा में गुणा किया तो sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद sec थीटा को cos 1 अपॉन cos में ले लेंगे, sec थीटा sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा को चेंज कर लिया, sec को चेंज किया काय में, 1 अपॉन cos में, अपॉन क्या है sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह लिख देंगे टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये सूत्र है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सिद्ध हो गया आपका टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद
यदि cos 70 डिग्री cos 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 57 डिग्री कॉस 57 डिग्री अपॉन कॉस 57 डिग्री इनटू कोसेक 33 डिग्री कोसेक 33 डिग्री बराबर ये सिद्ध करना है आपको सिद्ध कीजिए कॉस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 57 डिग्री इनटू कोसेक 33 डिग्री इसमें लगेगा फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 90 डिग्री में से 20 डिग्री करेंगे तो कॉस 20 डिग्री को लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 37 को चेंज कर देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री कॉस 90 डिग्री में से 33 डिग्री लाएंगे तो 57 डिग्री आएगा तो कॉस 57 डिग्री को चेंज कर दिया इनटू कोसेक 33 डिग्री कॉस 90 माइनस 20 होता है साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री 33 डिग्री इनटू कोसेक को चेंज कर लेंगे कोसेक 1 अपॉन साइन होता है 1 अपॉन साइन 33 डिग्री यहां लिख देना कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन कर देंगे ये हो जाएगा आपका साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 33 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा इससे साइन 20 से यहाँ 1 बचा प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ 1 बचा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ये सिद्ध हो गया आपका पेज इस प्रकार ये सिद्ध हो गया है आपका इसमें सिर्फ दो फार्मूले लगेंगे साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा यदि आपको सिद्ध कीजिए कीजिए साइन 63 डिग्री इनटू कॉस 27 डिग्री
प्लस कॉस 63 डिग्री इनटू साइन 27 डिग्री। इक्वल टू 1 के बराबर सिद्ध करना है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 63 डिग्री, कॉस को चेंज कर लेंगे, कॉस 90 माइनस इनटू कॉस 90 माइनस 63 डिग्री। ये इसको लिख सकते हैं, कॉस 27 डिग्री को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 63 डिग्री, इसको चेंज करने के लिए साइन में, प्लस कॉस 63 डिग्री इनटू साइन 90 माइनस 63 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, दोनों को चेंज कर लिया। अब यहां हो जाएगा साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो इसको लिखेंगे साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 63 को लिखेंगे कॉस 63 डिग्री, कॉस में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन 63 डिग्री का साइन 63 डिग्री में गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का मान काय के बराबर होगा, 1 के बराबर, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया 1, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री इज इक्वल टू 1। और यदि सिद्ध कीजिए साइन 48 डिग्री इनटू सेक टू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री इनटू कोसेक 42 डिग्री बराबर 2, 2 के बराबर सिद्ध करना, इसका आंसर लाना है 2, साइन 48 डिग्री इनटू सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री इनटू कोसेक 42 डिग्री। अब इसमें सेक को चेंज कर देंगे, सेक को कॉस में ले लेंगे, साइन 48 डिग्री अपॉन 1 अपॉन कॉस होता है तो कॉस 42 डिग्री हो जाएगा प्लस कॉस 48 डिग्री अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये 1 अपॉन साइन साइन 42 डिग्री चेंज कर दिया इसको, साइन 48 डिग्री साइन 48 डिग्री अपॉन इसको चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस 48, कॉस 42 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 48 डिग्री, कॉस 48
42 को प्लस कॉस 48 डिग्री अपॉन इसको चेंज कर लेंगे साइन 42 को चेंज कर लेंगे साइन 90 माइनस 48 डिग्री 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री साइन 48 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री नीचे प्लस कॉस 48 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो इसको लिखेंगे कॉस 48 डिग्री साइन 48 डिग्री से साइन 48 डिग्री कैंसिल हो गया ये यहाँ बचा 1 प्लस कॉस 48 से कॉस 48 कैंसिल कर देंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इसलिए ये सिद्ध हो गया कि इनका मान काय के बराबर होता है 2 के अब मान ज्ञात कीजिए मान ज्ञात कीजिए साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री माइनस 2 कॉस 60 डिग्री इनका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे साइन 35 डिग्री को इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस कॉस 90 माइनस 35 अपॉन कॉस 55 को डिग्री को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2 1 अपॉन 2 साइन 90 माइनस 55 हो जाएगा कॉस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन नीचे है साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा
वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये भी कट जाएगा, वन का होल स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस वन बचा, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस वन माइनस वन, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, इसका मान क्या आएगा वन। यदि किसी बिंदु से किसी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई 11 कीजिए। ऊंचाई दूरी में दो प्रकार के कोण होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये 200 मीटर की दूरी पर स्थित, ये 200 मीटर दूरी है, डिस्टेंस इसकी 200 मीटर है, मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का कोण बना रही है मीनार ए बी और सी। उन्नयन कोण की डेफिनेशन होती है, यदि नीचे से खड़े होकर किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखा जाए तो आंख और वस्तु के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और यदि ऊपर खड़े होकर नीचे की वस्तु को देखा जाए तो अवनमन कोण बनता है। दो कोण बनते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं वस्तु को तो अवनमन, और नीचे से यदि ऊपर वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन। क्योंकि इसमें यह कह रहा है नीचे से देख रहा है, मीनार ऊपर है, कोण ए सी बी कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, और आधार बीसी है आधार 200 मीटर, त्रिभुज एबीसी में ले लेंगे इसको, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है ये, जिसमें लंब आधार और कर्ण तीनों भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा काय के बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, मैंने ए बी भुजा ज्ञात करना है, तो टेन डिग्री थीटा का मतलब होता है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, तो थीटा की जगह लिख देंगे 45 डिग्री, लंब एच है और आधार 200 है, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1,
टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो h अपॉन 200। अब ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा, 200 का वर्ग में गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा इज इक्वल टू h। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 200 मीटर, ये ऊंचाई आ जाएगी टावर की। इसी प्रकार यदि 50 मीटर ऊंचे 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से प्रकाश स्तंभ से प्रकाश स्तंभ से पचास मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है, का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो प्रकाश स्तंभ की जहाज से दूरी ज्ञात है, तो प्रकाश स्तंभ की जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसमें, दूरी ज्ञात करना है, ऊंचाई दी है और कोण दिया हुआ है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज बना लिया, एबीसी समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ये चूंकि अवनमन कोण है, ऊंचाई 50 मीटर है, मीटर लिख दी, अवनमन कोण है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये 30 डिग्री का है अवनमन कोण, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री का। क्या ज्ञात करना है आपको, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी। ए बी प्रकाश स्तंभ है, ए बी क्या है, ये प्रकाश स्तंभ, कोण के ए सी कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है कोण के ए सी, 30 डिग्री का बन रहा है इसमें। ऊंचाई ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार एक समान लिया, कॉट कितने डिग्री है, ये कॉट 30 डिग्री, आधार एक्स लंब 50, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, कॉट 30 डिग्री कितना होता है रूट 3। अब रूट थ्री के नीचे कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको वन मान, वन कर देंगे,
अब इसका चूंकि संख्या बटे में है और बीच में कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। 50 का रूट 3 में करेंगे तो 50 रूट 3 बराबर एक्स, तो जिस दूरी क्या आ गई आपकी एक्स बराबर 50 रूट 3। रूट 3 का मान होता है 1.732। आपका 50 का 1.732 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, दूरी कितनी आ जाएगी, 86.60। कितनी आ जाएगी दूरी, 86.60। यदि 2500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण पैंतालीस डिग्री और साठ डिग्री। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पच्चीस सौ मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है और उसके अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ए बी सी डी ई और एफ। 2500 मीटर ये हाइट हो गई इसकी, 2500 एंगल हो गया ये 45 डिग्री और ये 45, ये दोनों समान है। अवनमन कोण है ये 30 डिग्री,
60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का नमन कोण हो गया। अब नदी की चौड़ाई क्या है इसमें, नदी की चौड़ाई है, नीचे नदी है, इसकी चौड़ाई को क्या बोलेंगे, सीडी। सीडी क्या है, सीडी इज इक्वल टू नदी की चौड़ाई, ये ज्ञात करना है आपको, नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करना है। त्रिभुज इसमें क्या है, ए बी, ये लिख लेंगे जो जो दिया है, ए बी कितना दिया है 2500 मीटर, ये ऊंचाई है 2500 मीटर और कोण ई ए सी, कोण ई ए सी ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये ई ए सी 45 डिग्री का बन रहा है और कोण एफ ए डी, एफ ए डी बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए बी सी, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लंब बटे आधार, ये लिखेंगे टेन थीटा काय के बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो पहला एंगल 45 डिग्री वाला ले लेते हैं, टेन 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 2500 मीटर, ए बी लंब है 2500 और आधार कौन सी भुजा है, बी सी, आधार कौन सी भुजा है, बी सी। तो टेन 45 का मान होता है 1, 2500 अपॉन बी सी, बी सी का मान आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 2500, ये आ जाएगी बीसी। अब चूंकि चौड़ाई ज्ञात करना है, सीडी, सीडी काय के बराबर होती है, सीडी बराबर सीबी प्लस बीडी। दूसरा त्रिभुज है समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, तो टेन कितना लिखेंगे 60 डिग्री, लंब 2500, आधार कौन सी भुजा है इसमें, बीडी, बीडी, टेन 60 का मान होता है रूट थ्री इज इक्वल टू 2500 अपॉन बीडी। इसका करेंगे त्रियक गुणा, बीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 अपॉन रूट थ्री, ये आ जाएगा बीडी का मान आ जाएगा 2500 अपॉन रूट थ्री। अब चूंकि सीडी याद करना है, सीडी काय के बराबर है, चौड़ाई नदी की चौड़ाई सीडी इज इक्वल टू बीसी प्लस बीडी, बीसी का मान रख देंगे 2500, बीसी निकल आई, बीडी निकल आई 2500 बटे रूट थ्री, लघुत्तम ले लेंगे
2500 रूट थ्री लघुत्तम आ जाएगा, 2500 रूट थ्री प्लस 2500, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2500 कॉमन आ गए, रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री का परिमेयकरण कर देंगे रूट थ्री का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500 इंटू रूट थ्री प्लस 1 इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री। ये परिमेयकरण हो गया इसका, 2500 2500 रूट थ्री का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 इंटू रूट थ्री का इसमें करेंगे 3 प्लस रूट थ्री अपॉन 3। थ्री में रूट थ्री का मान 2500 रूट थ्री का मान होता 1.732 अपॉन 3, 2500 इंटू 4.732 अपॉन 3। 2500 में 4.732 का गुणा कर लेंगे और 3 से भाग, 2500 में 4.732, 2500 5 × 15 = 16 × 5 = 35 = 36 5 × 20 = 23 2 × 2 = 4 2 × 2 = 14 ये हो जाएगा आपका 0 + 12 + 13 = 8 + 2 = 10 और 2 0 बढ़ जाएंगे, ये आ जाएगा 1080 / 3 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 3 × 18 3 × 3 = 3000 3610 ये आंसर आ जाएगा इतने मीटर। ये आ जाएगी इसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 3610 मीटर, 3610 मीटर नदी की चौड़ाई। अब एक आदमी किसी बिजली के खंभे के खंभे के शिखर से
देखता है कि धरातल के एक बिंदु का धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि खंबे के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, बिंदु की दूरी 25 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई क्या थी? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और अवनमन कोण बन रहा है। सबसे पहले अवनमन कोण बना लेंगे। साठ डिग्री का बन रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको h मान लिया। PQ दिए, PQ क्या है? इसकी ऊंचाई, ये हाइट है h। और AP क्या है? दूरी। AP दूरी है, 25 मीटर दिए, 25 मीटर है दूरी। और थीटा कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। टेन थीटा समकोण त्रिभुज APQ में, APQ में 10 कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। लंब दिया है H और आधार 25 मीटर। लंब ज्ञात करना है। टेन 60 का मान होता है √3 एच अपॉन 25। 25 √3 गुणा करेंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 25 √3। √3 का मान होता है 1.732, तो 25 इंटू 1.732। 25 का 1.732 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 43.3 मीटर। ये आ जाएगी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई 43.3 मीटर। कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग कर लेना। साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कोसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री सेक 70 डिग्री माइनस 2 cos 70 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री कोसेक 20 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है,
मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी के आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण कोण तीस और पैंतालीस डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्षैतिज क्षैतिज तल पर बनी मीनार के ऊपरी सिरे पर सात मीटर लंबा एक झंडा लगा है, मीनार के ऊपरी सिरे पर 7 मीटर लंबा एक झंडा लगा है। जमीन के एक बिंदु से झंडे के निचले सिरे और ऊपरी सिरे के झंडे के निचले सिरे झंडे के निचले सिरे और ऊपरी सिरे के और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण 30 डिग्री उन्नयन कोण
30 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तीस डिग्री और 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीन क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको। धन्यवाद।